अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा हॉस्टल में हफ्ते के दिन कैसे गुजरता है। हमारा कुक इस टाइम छुट्टी पर गया हुआ है, तो ड्यूटीज़ दी गई है, तो खाना बनाते हैं हम। तो हम आपको दिखा सकते हैं, हम इस टाइम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काट लेता हूँ टमाटर, जिनको ग्राइंड करेंगे हमायतुल्ला भाई। तो आप देख सकते हैं हमायतुल्ला वहाँ मशीन वगैरह जूसर वगैरह फिट कर रहे हैं, ताकि मैं टमाटर वगैरह काट कर उनके पास ले जाऊँ और वो ग्राइंड कर सकें। तो चले हम दिखाते हैं, हमायतुल्ला ने जूसर वगैरह फिट कर लिया है और इनसे कुछ बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही टमाटर ग्राइंड हो जाते हैं, तो हम चलते हैं हरी मिर्च काट लेते हैं छोटी छोटी करके, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी हमायतुल्ला ने कि आप छोटी छोटी मिर्च काट लें। बेसिकली मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं एज आ हेल्पर हूँ हमायत का। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, कुक हैं, वो हमायतुल्ला हैं। हम ये साइड के छोटे मोटे शपाटर काम करते हैं ना, तो हमायतुल्ला भी इससे खुश हो जाता है, हमारी ड्यूटी भी अदा हो जाती है। तो हरी मिर्च तो कट गई हैं, तो चले हम आपको आगे दिखाते हैं। हमायतुल्ला इस टाइम प्याज काट रहे हैं, क्योंकि प्याज काटना तो आपको पता है, ऐसे जैसे आशिक जैसे किसी गम में हाथ को घुसाना, इतने आंसू आते हैं ना, तो इससे हम खुद भी दूर ही रहते हैं। तो जैसे ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर आ जाती है कुछ और चीज़ों की बारी, तो हम आपको दिखा सकते हैं चलें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, इस वक्त बेसिकली हरी मिर्च जो है कट गई है। अभी हम आते हैं अदरक की तरफ, जो हम इसे पहले साफ़ करेंगे और फिर इसे छोटा छोटे पीसीज में काट देंगे, ताकि ये एक सालन में एक अच्छा सा टेस्ट दे सके। अदरक तो हमने छिलके इसके उतार दिए हैं, तो हमारे साहब ने कहा इसे ग्राइंड कर देंगे, और इसके साथ ही हमें लहसुन दे गए कि इसे भी साफ़ करके इसे भी साथ में ही ग्राइंड कर देंगे। तो चले हम आपको ये साफ़ करके दिखाते हैं फिर आगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही पेस्ट बन जाता है, तो हम आ जाते हैं किचन में। किचन में हमारे साहब ने पहले से ही घी गर्म किया होता है, तो चले देखते हैं हमारे साहब आगे क्या करते हैं। ये बेसिकली हम आपको अपना किचन दिखा दें, हॉस्टल का किचन बेसिकली बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो हमारे साहब पेस्ट ले आए हैं, तो अभी आप देखें ये पेस्ट को डालेंगे घी के अंदर, ताकि तड़का दिया जा सके। पहले टमाटर पकेंगे, फिर क्या होगा हमायत साहब, पेस्ट बन जाएगा। हाँ, फिर हम इसमें चिकन डाल के मसाले सारे डालेंगे। चलिए आप देखें, ये कढ़ाई जो होती है असल की कढ़ाई बेसिकली बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन घर में कुछ अलग तरीके से बनाई जाती हैं, तो आपको शायद कुछ अभी सही नहीं लग रही हो, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। घी कुछ कम था, तो हमायत साहब कुछ और डाल रहे हैं, तो व्यूअर्स आप देखते जाएं। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली ग्रेवी बन रही है। ग्रेवी बनने के साथ साथ ही हमायत साहब गोश्त दो देंगे, हम इसे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से बन सकें। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ग्रेवी बन रही होती है, तो हमायत गोश्त वॉश कर लेते हैं। गोश्त वाश होता है, तो समीउल्लाह आते हैं जो डायलिसिस टेक्नीशियन है किडनी हॉस्पिटल में, इनकी नाइट ड्यूटी होती है। तो ये व्यूअर्स, जैसे ही गोश्त धुल कर यहाँ आता है, तो यहाँ कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद सफाई का सेशन होगा, तो चले कटिंग हो जाए, फिर हम आपको आगे सफाई करके गोश्त दिखाते हैं कि कैसा लगता है। ये हमारे समी भाई आ गए। समी कैसे हो? ठीक ठाक है। खरीद कौन है? ये व्लॉग बन रहा है यार, ऐसा नहीं करो यार। व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे साहब गोश्त की सफाई कर रहे हैं, तो इसके बाद ये गोश्त को कढ़ाई में डाला जाएगा। हमायत साहब देखते हैं पेस्ट अगर बन गया, तो उसमें मसाले वगैरह डाल के बस गोश्त डाल देंगे। हाँ, गोश्त बहुत जल्दी बन जाएगा, पक जाएगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं हमायत साहब ने आधे से ज़्यादा गोश्त की सफाई कर ली और कुछ ही रहता है। साहब इस टाइम पेस्ट में गोश्त डाल रहे हैं, ताकि एक अच्छा सी कढ़ाई बन सके। तो हमायत साहब, आपने कैसा फील कर रहे हैं हमारे व्लॉग में? आपको शर्म आ रही है हमायत साहब? क्या वजह है इसके पीछे, क्या रीज़न है? समझ नहीं आ रही क्यों यार। ये हमारे एक्सपर्ट कुक हैं, ये देखिए कढ़ाई मसाला भी लेकर आए हुए हैं। कढ़ाई मसाला भी इसमें डाला जाएगा, तो इससे सालन को एक लजीज टेस्ट आ जाएगा। तो हमायत साहब इस टाइम मसाला भी डाल रहे हैं, तो आप देखें आगे होता है क्या क्या। और कुछ डालना है हमायत साहब इसमें? नमक मिर्च मसाले, कुछ सीक्रेट मसाले हैं हमायत के, जो इस टाइम लाइव बताना नहीं चाहते। तो चले मसला नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। सब कुछ डाल दिया है और इन्होंने दम पर रख दिए, और ये कुछ रेस्ट यहाँ फरमा रहे हैं। देखे मुस्कुरा रहे हैं बड़े। समी, आप बार बार आ जाते हो, क्या वजह है? लगा क्या करें, मैं आपके हाथ का खाना खाना है मुझे। अच्छा, आपको मेरा ख्याल से बहुत पसंद है हमायत के हाथ का खाना। बहुत अच्छे कुकर हैं। कुकर तो
चलो कोई मसला नहीं है, समझे आप हमारे जिगरी यार हो। चलो चले ये दम हो जाए कंप्लीट, फिर हम आपको लुक दिखाते हैं कि कैसी फाइनल लुक है। एक्सपर्ट साहब शर्मा रहे हैं, आप देखें एक्सपर्ट साहब को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये है खाने का आखिरी लुक। भाई लोग कैसी बनी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है आज, हम ने बनाया। सम्मी कढ़ाई सही बनी है? आल कढ़ाई क्रेडिट गोज़ टू हमायतुल्लाह। थैंक यू हमायतुल्लाह भाई, आपने हमें इतनी अच्छी कढ़ाई खिलाई।